बालेश्वरर अग्रणी स्वेच्छासेवी संगठन मे आई हेल्प यू सहयोग रे नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप बा एनएसजी इंडिया पीपल कल्चरल सेंटर जर्मन कोऑपरेशन और वर्ल्ड विजन इंडिया प्रभृति संगठनों मिलित आनुकूल्य शिशु जौन निर्यातना रोकवा दिगरे सांबादिकों भूमिका संपर्कित एक जिला स्तरीय कर्मशाला अनुष्ठित हो जाएछि। स्थानीय कलिंग होटेल सभागृह आयोजित ही कर्मशाला रे रेवती पत्रिकार संपादिका तथा समाजसेवी सुभाषिनी जेना मुख्य अतिथि भाव जोगद शिशु निर्यातना विशेषकर संप्रति विश्व में बढ़ी चली शिशु जौन निर्यातना रोकवार विभिन्न दिग संपर्क आलोचना करते शिशु उज्ज्वल भविष्य निर्माण पर समाज सबुवर्गर व्यक्तिशेष को नहीं एक सुरक्षित बलय सृष्टि से गुरुत्वारोप करते ए दिगरे सांबादिकों भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण बोली श्रीमती जेना मत प्रकाश करथिले। हमें जो सामाजिक प्राणी हिसाब से ह्यूमन बीइंग हिसाब से हम कौन कर्तव्य कौन दायित्व बेस गुरुत्वपूर्ण हमें यदि गणमाध्यम तथा सामना को आने शिशु जौन पीड़िता बाबद संवाद परेशन कर सचराचर देखा जाए जे के अनुसार आम जो रिपोर्टिंग करेषण करें पीड़ितार ना लिखि न था कि तार किए रिलेसन को गाँ एम टे निज रखी था छाड़ी जहाँफल खाली पीड़िता नुहे तार पिता माता नुहत आत्मीय स्वजन प्रिय परिजन बेस कष्ट अनुभव करती और बहुत निर्यातनार स्वीकार होती तेनालीसब रिपोर्टिंग कला से सब संवाद परेशन कला बेले आम टे जत्नशीलता नित्यांत मानी आबादे सर्वोच्च न्यायालय काउंसिल ऑफ इंडिया स्वतंत्र कार्यानुष्ठान ग्रहण करती स्वतंत्र नियमावली बाहर करूज परेशन कठिन दंडर व्यवस्था कर। बालेश्वर जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार साहू ए मुख्य वक्ता भाव जोगद शिशु सुरक्षा को नहीं देश में प्रचलित विभिन्न आईनर धारा संपर्क में आलोकपात करते तेब शिशु निर्यातना संपर्क में खबर प्रसारण बेले गणमाध्यम प्रतिनिधि सतर्कता अवलंबन पर से परामर्श देते क्षेत्र में गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया निर्देश को ग्रहण पूर्वक कार्य संपादन श्री साहू समस्त को आह्वान देते सांबादिक मानी तो सब सब जगह तो सब क्षेत्र को जा शिल्पानुष्ठान लेबर लॉ के कार्यकारी हम कोर्टे प्रोसीडिंग कोर्टे रिपोर्टिंग करेंगे ये गोटे ये क्षेत्र में पुलिस थाना को जाए रिपोर्ट संग्रह करेंगे कौन से जो इनफर्मेसन पाइले कमी रिपोर्टिंग करेंगे ये विषय बहुत गाइडलाइन अच्छी किसी प्रतिष्ठित गणमाध्यम जो संस्था मैंने से रिपोर्ट मैं स्वतंत्र ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करते आउ किसी लेखनी माध्यम गोटे किसी मड्यूल थाए था आपने करेंगे या न करेंगे कि आस्ते आस्ते ये कर्मशाला मध्यम ही जापर आम कौन करवा उचित कौन नक उचित तो आम प्रथम जाना दरकार मैंने चाइल्ड डेफिनेशन जहाँ कह जाए जो अठर वर्ष रू कम भारत जहाँ डेफिनेशन एडल्ट मिसेसे नाइंटन ट्वेंटी जाए चाइल्ड अठर वर्ष रू कम जी अठर वर्ष पूर्ण करना तौक रही बयस सी है चाइल्ड ताको आम चाइल्ड हिसाब से नु तो मुख्यतः ये जो सेक्सुअल एब्यूज क्या उठू शिशु मान क्षेत्र में देखा जाए जे गोटे शिशु से गोटे अति कोमल हृदय जहाँ कह जाए मैंने से सफ्ट हार्टेड क्या मन एत कोमल एत स्वच्छ से जानपार नहीं बड़े मैंने अधिकांश समय गोटे विक्टिम शिकार होमती गोटे व्यवहार होती बड़ हूँ बोले जापार जानी पारती तो अजाणत रही जी रिपोर्टिंग हो सेक्सुअल एब्यूज जी रिपोर्टिंग हो बहु गुणा अधिका आम ओरिजिनल जो क्या क्राइम हो चाइल्ड लाइन बहुत अधिका कह तो यहाँ को जो जैगेटिक प्रपोर्सन कह जाए आम नाइंटी यूएन कन्वेनसन कहला गोटे चाइल्ड रईट रू प्रोटेक्शन करने गोटे आईन करू आगुरी भी यहाँ बहुत किसी होता कि उपलब्धि करूँ ना यहाँ जेहतु शिशु मैंने किसी जमीन गोटे जन्म कही पारती प्रकाश कर पारती ना मत यह
ଆଉ ଯଦି ବି ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଜି ଭଳିଆ ଯେ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କରିଛି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ନିଜକୁ, ତ ଆମେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ପଚାରିବ। ଯେମିତି ଗତ ଥର ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଏବେ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍, କ'ଣ ଜଣେ ଆପଣ କ'ଣ କଲା, ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଡ୍ ଟଚ୍, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ। ତାପରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତତେ ଯେତେ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଖିଆଲ ରଖିବୁ। ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ଉବାଚକ ମହାନ୍ତି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିବଦାସ କୁଣ୍ଡୁ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଣୀତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଇପ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ ଏମ୍କେପି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପିଭିସି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ ସର୍ବଦା ନମ୍ବର ୧। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।